लाहौर को पहली बार सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का फैसला वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मंजूरी दे दी है। लाहौर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए इब्तदाई तौर पर 6 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। बढ़ती आबादी और फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने की कोशिशें, लाहौर को पहली बार सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने LDA को स्मार्ट सिटी बनाने की असूली मंजूरी दे दी। लाहौर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए इब्तदाई तौर पर 6 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। LDA की अपनी हाउसिंग स्कीमों में स्मार्ट सिटी मॉडल का आगाज किया जाएगा। लाहौर में मौजूद 100 से ज्यादा प्राइवेट स्कीमों को भी सस्टेनेबल मॉडल पर मुंतकिल किया जाएगा। जौहरटन, अलामा इकबाल टाउन और सब्जाजार को स्मार्ट सिटी प्लान के तहत तब्दील किया जाएगा। गुलबर्ग, MM आलम रोड और LDA एवेन्यू 1 में भी सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी मॉडल लागू किया जाएगा। 6 स्कीमों में स्ट्रीट और रोड लाइट्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। स्मार्ट सिटी में रेडी बानों के लिए अलहदा बाजार, साइकिल और मोटर बाइक लेन, मरकजी तफरीही पार्क और सड़कों पर पैच वर्क भी किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैन आबेदीन, लाहौर न्यूज़।